अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू समाज किचन। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई। उसके लिए जो हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, पहले मैं आपको वो बताऊंगी। उसके लिए हमने 1 किलो हमने चिकन लिया है, और साथ में जो हमने मसाले लिए हैं, 1 टीस्पून साल्ट है, 1 टीस्पून रेड चिल्ली, 1 टीस्पून करी पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गर्म मसाला और 1 टीस्पून चाट मसाला है। साथ में हमने लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून दोनों, और साथ में हमने ग्रीन चिली ली है। इस ग्रीन चिली को हम गार्निश में इस्तेमाल करेंगे, और साथ में हमने 3-4 टमाटर लिए हैं बड़े बड़े साइज़ के। इसको हम अच्छी तरह मसाले में भूनेंगे और इसका छिलका उतार लेंगे। सबसे पहले हमने पैन लिया है, पैन में हमने घी डाल दिया है, 1 कप हमने घी लिया है, उसको गर्म होने के रख दिया है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे और हम इसको थोड़ा सा अच्छे से भूनेंगे घी के अंदर। हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो रहा है, अच्छा हमने उसका जो पानी छोड़ा था उसमें वो भी अच्छा था, शक हो रहा है, देख सकते हैं इसके उसके शक्ल रंग चेंज हो रहा है, हल्का ब्राउन हो रहा है। इसको हम 2-3 मिनट तक और भूनेंगे, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। देखिए व्यूअर्स, हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर अपने अदरक का और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। हम इसको थोड़ा सा इसको अच्छी तरह भून लेंगे। हमने इसके अंदर अदरक लहसुन डाल के थोड़ा फ्राई किया है, बहुत अच्छी अदरक लहसुन की खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर 3 चम्मच हम इसमें दही ऐड करेंगे, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारा पानी अब अच्छे से खुशक हो चुका है, ये छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर अपने सारे मसाले ऐड करेंगे जो हमने लिए थे, फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छी तरह हमने मसाले इसके मिक्स कर लेने हैं। देखिए मसाले डाल के साथ कैसे चिकन का अच्छा रंग आया है, कितनी अच्छी शक्ल में आ रहा है वो। मसाले अच्छे से भूनने हैं हमने इसको। मसाले के साथ हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इस तरह से मसाले हमारे जलेंगे नहीं, अच्छे से भूने जाएंगे। हमने अपने मसाले अच्छे से भून लिए हैं। अब हम इसके अंदर अपने टमाटर और ग्रीन चिली ऐड करेंगे। टमाटर इस तरह से हमने बड़े बड़े काटे, हम इसके छिलके बाद में निकाल लेंगे, इससे बहुत अच्छा इसका मसाला बनेगा। इसको हमने टमाटर डाल के फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पर रख देंगे। जितनी एक टमाटर का जूस आएगा उसी के अंदर ये नमकीन से पक जाएगी हमारी। अब हम इसको ढक देंगे। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए बंद कर देते हैं, हम आँच थोड़ी सी ऐसा कर देंगे। फिर हम इसको 5 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे। हमें 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको चेक करेंगे। देखिए किस तरह से हमारे टमाटर में पानी छोड़ा है, और अब हम इसके छिलके उतार के अच्छे से हम भून लेंगे। थोड़ी गल जाती हैं और इतनी अच्छी नहीं होती, इसमें टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। अब हम इसको भूनेंगे। देखिए कितनी अच्छी शक्ल में आ रही है हमारी कढ़ाई, ग्रेवी बहुत अच्छी इसकी बनी है। देखिए व्यूअर्स, हमारी कढ़ाई कितनी अच्छी से तैयार हो रही है। अब हम इसके अंदर जो बचा हुआ दही था वो हम ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून हमने पहले ऐड किया था, और 3 टेबल स्पून ही हम अब ऐड कर रहे हैं। अब हम दही डालने के बाद इसको दोबारा से तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको भूनेंगे अच्छे से, और फिर हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। देखिए व्यूअर्स, हमारी कढ़ाई चटपटी सी मज़ेदार सी हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हुई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी मेथी ऐड करेंगे, और मेथी तो जैसे समझ लें आप कढ़ाई की जान होती है, मेथी से बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
थोड़ा सा मैं इसमें फ्रेश लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। बहुत चटपटी सी और करारी और अच्छे फ्लेवर वाली आपको कढ़ाई मिलेगी। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी बहुत मज़ेदार रेसिपी है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको बंद कर देते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी खतरनाक किस्म की हमारी कढ़ाई तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है, बहुत मज़े की, बहुत स्पाइसी, टेस्टी और मज़े की हमने कढ़ाई बनाई है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, यकीन आपको बहुत पसंद आएगी। अब मुझे कमेंट में बताइएगा आपको चिकन कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।